हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप और आपके फैमिली सभी सुरक्षित होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी M31 की अनबॉक्सिंग। ये देख सकते हैं, मैंने ये सैमसंग गैलेक्सी M31 मंगवाया है। ये मंगवाया तो मैंने लॉकडाउन के पहले था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये मेरे पास आ नहीं पाया, तो अभी लॉकडाउन में आया है। और इसकी देख सकते हैं पैकेजिंग बिल्कुल नई हो गई है, काफ़ी कुछ बदल गया है। ठीक है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, टेप नहीं रहना चाहिए, नो टेप अलाउड। और भी कुछ चीज़ें लिखी हुई है जिसका ध्यान हमें कोरियर बॉय से पैकेज लेते समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है सुरक्षा नंबर 1 2 3 4 5 6 किनारे पर दिखाई दे रहा हो वो विकृत ना हो। मैं दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, ये पूरे किनारों पे लिखा हुआ है, ये ख़राब ना हो ये बताया जा रहा है इसमें। और देखते हैं और क्या लिखा हुआ है। देखिए, नीली सीलिंग टेप के बीच की रेखा किनारों के अलावा अन्य किसी जगह हरे या गुलाबी रंग की ना हो। ये जो नीली आप देख रहे हैं टेप, जो सीलिंग देख रहे हैं, वो सिर्फ किनारे पे ही गुलाबी हो, हरे या गुलाबी हो, और कहीं ना हो, ये कहा जा रहा है। अगर ऐसा ना हो तो आप प्लीज़ उस पैकेट को एक्सेप्ट ना करें। या देखिए, नीली सीलिंग टेप पर वॉइड स्टॉप या बैक टेम्पर ना लिखा हो, मतलब इस पर कुछ लिखा ना हो। इस सीलिंग टेप पे अगर कुछ लिखा हो तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट ना करें आप। और इस बैग पर किसी और प्रकार की टेप ना लगी हो, किसी भी प्रकार की टेप, चारों तरफ आप देख सकते हैं किसी प्रकार की टेप ना लगी हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आइए इसे अब खोलते हैं। तो यहाँ से मैं कट कर देता हूँ। डब्बा अंदर चिपक गया है। ये देख सकते हैं ऐसे पैकेट में आया है, लग रहा है कि काफ़ी बुरी तरह से हैंडल किया गया है, इसे उठा पटक काफ़ी हुआ है इसके साथ। चलिए देखते हैं अंदर सब कुछ सही हो। ये देख सकते हैं इस डब्बे के अंदर से ये मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी M31 का डब्बा निकला है। अब इसे भी हम लोग खोलेंगे, पहले देख लें इसमें और क्या है। इसमें और कुछ नहीं, बस बिल है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये 6 GB रैम और आपके 64 GB रोम वाली फ़ोन है, मतलब इंटरनल मेमोरी इसकी 64 GB है और 6 GB रैम है। ये मुझे पड़ा है 15,999 रुपीज़, मतलब 16,000 रुपीज़। लॉकडाउन से पहले यही 16,000 में आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB रोम मिल जा रही थी, बट अभी ये 16,000 में मुझे 6 GB रैम और 64 GB रोम वाला मिला है। चलिए तो फिर इसे देखते हैं। देखिए ये सील है, अभी यहाँ पे सील है, हम इसे ओपन करते हैं, देखते हैं क्या क्या मिला है इस फ़ोन के साथ। यहाँ से देख सकते हैं आप सैमसंग गैलेक्सी M31। ठीक है दोस्तों, इसे सील खोलते हैं यहाँ से। सील तो कैंची से खुल नहीं पाया, तो मैं पेपर कटर ले आया, पेपर कटर से कट कर देते हैं। ये देखिए सील खुल गया है, और इसे साइड रख दें कहीं लग ना जाए, और इसे ओपन करते हैं। ये देखिए, ये मैंने ओपन किया, ये देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर आपको फ़ोन दिख रहा होगा, मैं इसे निकालता हूँ। ये देखिए, ये ब्लू कलर का है, मैंने ब्लू कलर का मंगाया। इसमें दूसरा ऑप्शन ब्लैक कलर भी है, देख सकते हैं ये।
देखते हैं। और इस मोबाइल के अलावा और इस डब्बे में क्या क्या है, इसको रखते हैं थोड़ा सा साइड, यहाँ रख दिया मैंने। ये देखिए इसमें चार्जर दिख रहा है, चार्जर है और आपको डाटा केबल है, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये चार्जर और ये इसका डाटा केबल। ये डाटा केबल रख देते हैं इसको और देखते हैं इसमें कुछ है क्या। दोस्तों इसमें तो और कुछ नहीं है इस डब्बे में, देखते हैं। मोबाइल को करते हैं इस तरफ और ये कुछ लग तो रहा है, कुछ है इसमें, देखते हैं क्या है। निकल जा भाई, निकल नहीं रहा ये। हाँ निकल गया, देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा इधर ये सिम ट्रे निकालने के लिए पिन दिया गया है, देख सकते हैं आप। और इसके अंदर देखते हैं क्या है और इसको खोलते हैं। इसमें जस्ट इसमें मैनुअल मिला है, क्विक स्टार्ट गाइड, रीजनल लॉक गाइड, कुछ नहीं है। वारंटी कार्ड बस देख सकते हैं आप इसमें, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, खाली है ये। और ये इसके पीछे तरफ एक सिम ट्रे निकालने के लिए एक पिन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को शेयर करना ना भूले दोस्तों। मैं अगली वीडियो में आपके साथ मिलता हूँ, इसके स्पेसिफिकेशन बताऊँगा मैं आपको और कुछ दिन इसको यूज़ करने के बाद इसके जेन्यून रिव्यू आपके लिए लेकर आऊँगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स थैंक यू।